नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट भी कीजिएगा, और बेल बेल आइकॉन को दबाने को भूलिएगा मत। यदि आप अगर टेक्निकली वजन काटे का काम करते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि आपका कीपैड ठीक से काम नहीं करता। सिचुएशन में आप कीपैड साफ कर देते हैं, उसके अलावा वायरिंग चेक करते हैं, उसका कनेक्टर चेक करते हैं, कीपैड का पूरा ट्रैक वो भी चेक करते हैं, वो सब सही है, फिर भी कीपैड काम नहीं करता। सब सही है लेकिन दो चार की काम नहीं करता या पूरा कीपैड काम नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं। फिर भी आप समझते हैं कि दो चार की काम नहीं करते, जो हमको आज नीड है उसकी की जरूरत है और वही चलती नहीं है। सब ठीक है, उसका ट्रैक ठीक है, उसका कुछ कचरा नहीं है, कुछ मॉइस्चर नहीं है, मदरबोर्ड सही है, ड्राई सोल्डरिंग वो भी चेक किया, वो भी सही है। तो आखिर प्रॉब्लम किसमें है? तो देखिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अब डायरेक्टली इस सिचुएशन में ये जो आपका मदरबोर्ड का मेन आईसी है, जो कंट्रोलर बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसको निकालिए, उसका मार्किंग चेक कीजिएगा, जो नॉच रहता है उसका वो सामने की तरफ रहता है, जो मदरबोर्ड का एज रहता है उसकी तरफ रहता है, वो देख के उसके बेस में भी एक नॉच रहता है और ऊपर कंट्रोलर आईसी को भी मार्किंग नॉच रहता है, उसको ध्यान में रख के हल्के से टेस्टर से या नुकीले इंस्ट्रूमेंट से उसको निकालिएगा, सेफली निकालिएगा। वो खराब है कि नहीं कैसे पता करेंगे, ये चेक करने को नहीं आता है। तो डायरेक्टली हम एक दूसरा उसी बोर्ड का वही सेम कंट्रोलर आईसी ले लेंगे, उसको बेस को साफ करेंगे, सेम टाइप का सेम मॉडल का कंट्रोलर आईसी दूसरे बोर्ड का निकालेंगे, जो बोर्ड सही से काम कर रहा है उसका निकालेंगे, वो कंट्रोलर निकाल के हम इस बोर्ड में डालेंगे, जो ये मेरा खराब बोर्ड है, जो कीपैड की दो चार कीज काम ही नहीं करती है। सब सही है, तो मैंने वो दूसरा आईसी ले लिया है, मैंने वो बेस के अंदर बिठाना है, उसी मार्किंग को ध्यान में रख के जो नॉच वगैरह सब जो है उसको प्रॉपरली उसकी पिन्स इंसर्ट करके हम उसको प्रेस करके बिठाएंगे। तो हम इतना सा करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये आपको ओरली बता दिया है, मैंने पूरा मशीन नहीं जोड़ा, इसका कारण यही है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन इससे इस कंट्रोलर से बदल के आप इसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व करेंगे, 100 नहीं 200% सॉल्व हो ही जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।